गया मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत गौतम बुद्ध महिला कॉलेज में छात्राओं का नामांकन के नाम पर मनमानी शुल्क वसूला जा रहा था। इसी को लेकर छात्र नेता ने छात्राओं की समस्याओं को सुना और उस समस्या को कॉलेज के प्राचार्य समक्ष रखा। छात्राओं ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा पीजी तक की पढ़ाई छात्राओं के लिए निःशुल्क है, लेकिन कॉलेज मनमानी शुल्क वसूल रहे हैं, जिसको लेकर कॉलेज की छात्राओं ने प्रदर्शन कर मनमानी शुल्क वसूलने पर रोष व्यक्त किया। क्या बता दूंगा, मैंने सर से बोला कि सर जब आज के पेपर में आया हुआ है कि पैसा नहीं दिया जाएगा लड़कियों से, तो वो बोलते हैं कि हम लोग इलेक्शन के कारण इस बार हम लोग को पैसा थोड़ी 2015 से हम लोग से पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो हम लोग को कैसे पेट चलेगा, तो इसलिए हम पैसा लेते हैं, ऐसा बोले सर। कितना पैसा रहा? 1650 आज पे किया। आज मैंने पे किया है। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। हमारी टीम छात्र जदयू टीम है, जो करीब नीतीश कुमार की योजना है पीजी तक की पढ़ाई महिला को लड़कियों को निःशुल्क होना चाहिए था, इसमें कई कॉलेज पैसा ले रही थी। इस बीच हमारी टीम 1 तारीख को वीसी सर से मिली और वीसी सर ने तुरंत 1 तारीख को एक लेटर नोटिस किया, जिसमें साफ साफ मेंशन है किसी भी कॉलेज हो वो लड़कियों तक जो पार्ट 1 पीजी तक की पढ़ाई 1 रुपया बिना शुल्क के बिना आपको लेना है। इसी संदर्भ में हमारी कुछ छात्राएं से बात हुई, जिसमें GBM कॉलेज है, यहाँ पे पैसा लिया जा रहा है करीब 1600 समथिंग। इस बीच हम आज सुबह में 10 बजे जब कॉलेज आते हैं, प्रचार सर से हमने बात किया, प्रचार सर ने बोला ठीक है हम किसी से रुपया नहीं लेंगे, मेरे पास नोटिस आ गई है जो पैसा नहीं लेंगे, वहाँ तक तो ठीक था। फिर जब हम घर जाते हैं उसके जस्ट 1 घंटा के बाद करीब 12 बज रहा होगा, अभी 12 बजे एक लड़की फ़ोन करती है कि भैया सबसे पैसा लिया जा रहा है, अब जो पैसा नहीं देगा उसका बाद में आइए, कल आइए, परसों आइए, अगर आपका ब्रीफ नहीं देखिए, मेरे पास प्रूफ है, यह देखिए प्रूफ है, जिसमें 3 तारीख का डेट है, लड़की का नाम है, 1650 रुपया चार्ज है, ऐसे कई रसीद हैं। यहाँ पे तो यही दिख रहा है ना कि जब तक छात्र संगठन जदयू एक्टिव रहेगा पैसा नहीं लगेगा, जैसे ही जाएगा वहाँ पे यहाँ पर पैसा लग जा रहा है, तो यहाँ पर दोहरी नीति यहाँ के प्रचार्ज यहाँ का स्टाफ के द्वारा है। एक ऐसा भी स्टाफ है बैठे हुए हैं, एक महिला कॉलेज है, लड़कियों के साथ सम्मान की तरह बिहेव करना चाहिए, सम्मान नहीं दिख रहा है, यहाँ लड़कियां के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। एक बच्ची करीब बहुत दूर से खिजरसराय से आई हुई है, 12 बजे से वेट कर रही है, 2 बज गया, रसीद नहीं कटा, क्यों? क्योंकि वो पैसा नहीं दे रही है, और जो पैसा देगी ना उसका रसीद तुरंत काट दिया जाएगा, और जो पैसा नहीं देगा रसीद नहीं कटा जाएगा। वहीं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जावेद खान को कुलपति का लेटर दिखाया गया। इसके बाद प्राचार्य ने छात्र नेताओं की बात मानकर कहा कि जिन छात्राओं की रसीद पहले से कट चुकी है उन सभी का पैसा वापस किया जाएगा। देश आया है के पैसे नहीं लेने, मगर चूँकि इसकी प्रक्रिया पहले से शुरू हो गई थी, तो एडमिशन परसों भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, कल भी हुआ, और उसी में इस कन्फ्यूजन में कि कुछ बच्चों के पहले रसीद कट चुकी है, जो 1 तारीख को कट गई थी, 2 तारीख को कट गई थी, एडमिशन की वजह से खुला हुआ था, तो वो 2 तरह का हो गया। उसी कन्फ्यूजन में ये आज भी कुछ रसीदें कटी हैं, उसका इनकार नहीं है हमको, मगर इसमें इतना उग्र रूप लेने की जरूरत नहीं है। हम इन बच्चों का सबका जिनका भी पैसा कॉलेज ने दिया है हम पैसा वापिस करवा देते हैं, रसीद पे उसको नील करवा देते हैं, नील पे ही इनका एडमिशन होगा, ऐसा कुछ नहीं।